हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपके बीच आज मैं गैस सिलेंडर के विषय में नॉलेज देंगे, गैस सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पर पूछते हैं अक्सर तक। तो आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, जो भी चीज आपके बीच नॉलेज दिखाऊंगा। ये देख रहे होंगे कि ये होगा आपके बीच सिलेंडर, दिख रहा होगा ये सिलेंडर का यूज कैसे करते हैं। और ये जो हमारे बीच लिखा होता है आप देख सकते हैं, अभी आपको नियर अबाउट से दिखाते हैं, जो लिखा होता है 829 या फिर लिखा होता है 15.7। ओके, तो हम इसका आपको फुल नॉलेज देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। काफी विद्यार्थी भी कंफ्यूज में रहते हैं, कभी जब भी ट्यूशन पेपर में आपसे पूछता है, ठीक है। तो आइए आपको पहले इसका यूज करना सिखाते हैं, किस प्रकार से इसको ओपन करते हैं या किस प्रकार से इसका सोल्यूशन स्टोर करते हैं। तो सर्वप्रथम एक मोटिवेशन आपके बीच लिखा होगा, आपके बीच अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता। यहाँ से सुनिए और समझिए, हमारा मोटिवेशन है अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है, ठीक है। आपका कर्तव्य, आपके कर्म आपको आपके भविष्य की पात्र तभी बना सकती है जब आप उस लायक कार्य को करेंगे तभी। तो हमारे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अपने समय को ध्यान में रखते हुए कि हमारा समय क्या कह रहा है, कि मुझको क्या करना चाहिए, जिस संकल्प आप जो भी लिए हैं कि हमको आगे क्या मंजिल को बनाना है, उसके हिसाब से अपने कार्य के प्रति हर समय लगे रहिए, ठीक है। इसी मोटिवेशन कड़ी के बीच आपके बीच मैं ले चलता हूँ गैस सिलेंडर के विषय में नॉलेज देता हूँ, जो कि अभी आपको बताया कि कहीं कहीं आपने देखा होगा 829 और कहीं कहीं आप देखोगे 15.7 या कुछ पॉइंट लिखे होते हैं इधर उधर पे, आपको उसके विषय में नॉलेज देते हैं। आइए आपको पहले इसको ओपन करना सिखाते हैं, कैसे ओपन करते हैं। कुछ लोग को मैंने देखा है कि जो हमारे सिलेंडर का जिसपे हम खाना बनाते हैं, उस स्टोव को कोई लोग जो है कि सजा नहीं पाते हैं उसपे, यानी कि उससे ज्वाइंट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग उसको ओपन नहीं कर पाते हैं, जिसके हिसाब से वो जुड़ नहीं पाता है और गैस लीकेज हो जाती है और हमारी जो है कि शरीर को हानि भी पहुंच सकती है उसके माध्यम से। तो आइए आपको पहले इसको ओपन करके दिखाते हैं किस प्रकार से ओपन किया जाता है। वीडियो लंबी बन जाए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपको देखिए कोई भी चीज आप अगर समय देंगे सीखने के लिए जानने के लिए, तो आपको उसको थोड़ी थोड़ी चीजों को जानते हुए कभी आप उस चीज को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो जैसा कि हम आपको इसको ओपन करना सिखाते हैं, ओपन ऐसे करते हैं, जैसे हमने ये हमारी डोरी है, इसको पहले मैं स्किप करूंगा, यानी इसको पहले खींचूंगा। देख लीजिए मैंने इसको ताना और तानते हुए अब देखिए मैं इसको आसान तरीके से खोल लिया, ठीक है, खुल गया। अब मान लीजिए हम इसको बंद कर देते हैं, बंद हो गया। अगर हम यदि इसको खींचेंगे तो हींच नहीं पाएंगे, ऐसे हम खोलेंगे तो खुल नहीं पाएगा। आइए यदि हम इसको अपनी ओर थोड़ा सा इसको खींचेंगे, खींच लिए, अब मैं आसान तरीके से खोल सकता हूँ, खुल गया, ठीक है। ये हुआ हमारा खोलने का तरीका। और अब आपको इसके विषय में बताएंगे, आप देख रहे होंगे कि ये सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, इसमें लिखा होगा 829 और लिखा है 15.7, ठीक है। इसी को आपको आज हम फुल नॉलेज देंगे, ये क्या चीज है और कैसे लिखा गया है, इसमें हम किस प्रकार से समझेंगे कि ये प्रूफ है ये हमारी गैस सिलेंडर के नामांकन में। तो ठीक है, आइए आपको इस व्हाइट बोर्ड के नजर पे दिखाते हैं और सिखाते भी हैं। एक बात ये आ गई विद्यार्थियों, जैसा कि हम 2019 में अपने इलाहाबाद के विशंबरपुर गांव में वहां पर गैस सिलेंडर फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहां पर एक व्यक्ति को हमने जो कि सिलेंडर देखा कि वो सिलेंडर इस प्रकार से फेंका था, ऐसे ऐसे था और ऐसे जमीन में यानी सड़क पे ऐसे फेंक दिया था और वो सिलेंडर क्या हुआ था, ब्लास्ट हो गया था और जितने भी लोग अगल बगल थे पूरे के पूरे लोग जल गए थे, ठीक है। और मैं पहुंचने ही वाला था लेकिन सभी लोग पूरी तरीके से घायल हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए लेकिन तब भी नहीं बच पाए। तो मैं सभी लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा कि जो भी लोग अगर नॉलेज है तो अच्छी बात, पहली बात तो हमें कहीं भी अगर गैस को ऊपर से नीचे तरफ फेंकना होगा तो हमको जस्ट इसके लंबवत रेखा में फेंकना होगा, यानी ऐसे, ठीक है, ताकि हमारी गैस की टंकी जो हमारी
किनारे किनारे पोजीशन में है, ये फटे ना और हम आप सुरक्षित भी रह सके, ठीक है। इसलिए हम आपको ऐसे लंबवत रेखा में नीचे गिरा देना चाहिए, ठीक। ये हुआ आपको जानकारी। अब आपको हम मेन जानकारी जो इसके विषय में नॉलेज देना चाहेंगे, हर कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मार्कर कहाँ है, आपसे क्वेश्चन में इतना पूछता है। आपने मैं दिखाया, हमने कि लिखा था ना इस वाले पोजीशन में लिखा था, मान लो समझ लो लिखा है 20.18 यानी 20.18 या इस प्रकार से कहते हैं 20.18, ठीक, ये लिखा होता है। या फिर कहीं जी आप देखोगे अभी दिखाया था 15.7 लिखा था या 7.15 लिखा था, इसका प्रूफ क्या है जानिए। ये जो है पहली बात तो हमको ये चीज जानना होता है, ये चीज हमारा जो एक में रहता है यानी एक संख्या में डिवाइजेशन करता है, ये जो होता है हमारी दर्शाती है कि कौन सी मंथली का है या कौन सी महीना का है, ठीक है। और ये जो हमारी दो संख्याओं का है जैसे 18 है, ये हमारी दिखाती है कौन सी सन की ये गैस जो है कि इसमें भरी हुई है। और कोई भी गैस सिलेंडर हो वो मैक्सिमम 3 महीने तक का होता है पैकेज, ठीक है, उसका भी एक एक्सपायरी डेट होती है, गैस की भी हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक। ए बेटा सावधानी से उस पर बैठ जाओ, उन्हें मारेंगे भी तुमको। तो आप जानकारी रखिए, मैंने आपको क्या बताया, जो एक संख्या वाली है उसको बोलते हैं मंथली यानी महीने का, कौन सी महीने का है। और ये जो हमारी दो संख्याओं वाली है उसको बोलते हैं कौन सी सन की है, यानी 2012 की है कि 1999 की है कि 2017 का है, ये मैटर करता है। आइए आपको जानकारी देता है। कहीं कहीं आपको लिखा होगा कि 1.99 या समझ लो कहीं कहीं लिखा होगा 20.21। अब समझिए यहाँ पर लिखा है 20.18, यहाँ पर बी का मतलब हुआ, देखिए पहले यहाँ इतना जानकारी देखिए कि ए लिखा हो या 1 लिखा हो, इसका मतलब आप समझिए कि जनवरी से मार्च तक का ये गैस लीकेज पैकेज है, एक्सपायरी डेट, ओके। अगर यहाँ पे बी लिखा हो और 3 लिखा हो, अगर बी 0.19 है, यहाँ कह सकते हैं कि 3.19 है, आप समझिएगा कि अप्रैल से लेकर जून तक का ये एक्सपायरी डेट है इस गैस सिलेंडर का। हर गैस सिलेंडर का 3 महीने का पैकेज होता है, जानकारी रखिएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं दिखे कि 3.19 या फिर आपको दिखे कि 5.19, आप समझिएगा कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का इसका गैस का पैकेज है एक्सपायरी डेट का, ठीक। उसके बाद अगर यदि आपको डी पॉइंट 2022 या 22 लिखे या 7.22 लिखे, आप समझिएगा कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का एक्सपायरी डेट गैस सिलेंडर का पैकेज है। इतना आप फुल जानकारी रखिएगा। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 1.22 या 1.22 कौन सी महीने के अंदर गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को पैकेज करता है। यदि अगर आपके ऑप्शन में रहे कि अप्रैल से जून या जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर, यदि लिखा हो इनमें से कोई नहीं तो आप बताएंगे इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज, करेक्ट आंसर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि जनवरी से मार्च, ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए कि जनवरी से मार्च, क्योंकि ए नंबर पर मैंने बोला है कि 1.22 यानी 2022। अगर आपको 22 लिखे, आप समझिए कि 2022 का है। यदि आपको लिखे कि 99 का है, अभी 99 नहीं आया, आपको समझना चाहिए कि 1999 की बात कर रहा है, ठीक। इतना आप जानकारी रखेंगे। उसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन में कहे कि 3.18, आप बताएंगे कि आपसे पूछेगा कि 3.18 कौन सी महीने के तहत में गैस सिलेंडर की जो की एक्सपायरी डेट को पैकेज करता है, आप बताएंगे कि जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है कि हमारा एक्सपायरी डेट गैस सिलेंडर का पैकेज करता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं रहेगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, हमारा करेक्ट आंसर जुड़ जाएगा, ठीक है, मैंने आपको इतना बताया। उसके बाद ये जो है हमने जानकारी आपको इसलिए दिया
क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये सब चीजें जो हमारे सिलेंडर में लिखी होती है, कोई टीचर आपको ये, आज तक मैंने सर्चिंग में किया है गूगल पे भी ये नॉलेज नहीं मिला है। मैंने इसको करीब 3 से 4 महीने में इस जानकारी को खोजा हुआ है कहीं न कहीं से, और आपको आपके बीच में बहुत मेहनत करते हुए आपके बीच नॉलेज दे रहे हैं। इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। हर कंपटीशन में गैस सिलेंडर से सही 2 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन पूछा हो या ना पूछा हो नहीं कर सकते, लेकिन हर कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन उठाकर पूछता है। अभी हमने देखा था कि SSC में पूछा गया था कुछ सेटों में, वैसे तो आज क्या सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इस जानकारी को रखिएगा और जहां तक हो सके इस जानकारी को शेयर भी करिएगा, ताकि हर कंपटीशन के बच्चे इस नॉलेजफुल वीडियो को देख सकें और अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। एक दो नंबर से चूक हो जाते हैं। यदि आप बहुत कर दें कि 98 नंबर कट ऑफ गया है और आपको बना है 96 नंबर, आपको नंबर जो है इसी में गड़बड़ हुआ है गैस सिलेंडर से। अगर आपको गैस सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता होता, आप शायद उस कट ऑफ में आ जाते, आपका भी 98 हो जाता और आपका भी सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर का मायने रखता है। वैसे भी आजकल सब नंबरिंग माइनस में चले जा रहे हैं, तो और जो भी कंपटीशन हाई के रिलेटेड के हैं तो वो भी ऑल इंडिया रैंक से ली जा रही है, तो मैं भी कहूंगा कि कंपटीशन हाई है तो मेहनत करना अति आवश्यक है। ठीक, और कोई भी काम करेंगे आप तो मेहनत से और मन लगा के शिद्दत से करेंगे अपने टारगेट को पाने के लिए। समय का जो है कि बहुत ही अभाव है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और मैंने जो जितने भी आपको मैंने अपने वीडियो में बताया है, नॉलेज दिया है हर टॉपिक पे, कहीं ना कहीं आपसे हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे और मैं आपको वो क्वेश्चन देने का प्रयास करता रहता हूँ जो कि हर क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं, यानी हर कंपटीशन में पूछे भी गए थे, पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों मैंने बताया, वो मैंने क्वेश्चन देने के लिए आपके बीच पेश करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी से समझ में आ गई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विद्यार्थियों के प्रति, और मेरे वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।